देसी चिकन, बहुत ही मजे का सालन टेस्टी, जो आप लोगों के साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने लगे हैं देसी चिकन, जिसके लिए ये आधा किलो हमारा चिकन है, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। आधा किलो हमारा देसी चिकन, क्योंकि देसी चिकन सर्दियों में खाएं, नज़ला ज़ुकाम बुखार से निजात पाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। इसका शोरबा, इसके मुकाबले में कोई दूसरा मीट नहीं देसी चिकन। इसमें डालेंगे एक अदद बड़े साइज का प्याज, लहसुन अदरक साबुत डालेंगे क्योंकि हम बनाने लगे हैं प्रेशर कुकर में, और एक अदद डालेंगे इसमें टमाटर, ये प्रेशर कुकर में अपना डालेंगे देसी चिकन। आधा किलो हमने डाला है पानी, आधा किलो हमारा देसी चिकन है, इसी में डाल देंगे हम एक अदद टमाटर, एक अदद प्याज, लहसुन अदरक का लहसुन अदरक साबुत डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 स्पून सुरख मिर्च। इस तरह से जल्दी हमारा बन जाएगा। 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून ही डालेंगे इसमें हम नमक। अब इसे ढक के रख देंगे और 15 मिनट में हमारा देसी चिकन तैयार हो जाएगा। 1 स्पून डालेंगे इसमें हम साबुत गरम मसाला, ये डाल देंगे। अब लगा देंगे अपने कुकर को और 15 मिनट में हमारा ये देसी चिकन तैयार हो जाएगा। पानी हमारा खुशक हो चुका है, अब डालेंगे अपना ऑयल इसमें। ना मैंने छम्मू बोली जाओगी, मैंने और पका अच्छी पोती नहीं छिपका। चलो अब डालेंगे ऑयल, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से इसे भून लेंगे हम, अच्छी तरह से भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें अपना पानी, देसी मुर्गी का सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अपने बर्तन में माशाल्लाह से देसी मुर्गी का शोरबे वाला सालन, मुर्गी का शोरबे वाला सालन बनकर हमारा तैयार हो चुका है, जो बहुत ही मज़े का टेस्टी बना है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब दे हमें इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।